दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजू विश्वकर्मा में। आप आज हम पहुँचे हैं पोखरण महल। ये पोखरण किला भी कहा जाता है इसको, और आज पूरा वीडियो के माध्यम से आपको किला दिखाएंगे, घुमाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सामग्री है, वो सारी चीज़ आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहें, वीडियो को स्क्रीप कर ना देखें, पूरा वीडियो देखें। अगर आप भी अगर घूमना आना चाहते हैं पोखरण में, तो इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो और घूम सकते हो। तो दोस्तों आप बने रहना वीडियो में, वीडियो पूरा देखना। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा पोखरण में का। और चैनल पर ना आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज का पोखरण महल का वीडियो। अगर आपको महल घूमना है तो 40 रुपए की टिकट लेना पड़ेगी। पार्किंग के लिए फोर व्हीलर टू व्हीलर का, टू व्हीलर 20 रुपए और फोर व्हीलर 40 रुपए। फिर आपको इस गेट के द्वारा एंट्री अंदर जाने की मिलेगी। तो हम 10 लोगों की टीम है और ये टिकट ले ली है। 10 टिकट है इसी एक टिकट में। अब घूमेंगे हम राजमहल। चलिए दोस्तों। पोखरण महल आज भी वही सुंदर था महल के अंदर। पोखरण महल अब कुछ महल का यहाँ से नहीं। अब इस पतले से सगड़े से रास्ते से जाएंगे हम ऊपर। चलो तो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, राजमहल के अंदर कुछ जमाने के अस्त्र शस्त्र आपको देखने को मिलते हैं। कई तलवारें, कई फोटो उस समय की राजमहल के अंदर बन रखे हुए हैं। यहाँ से देखिए आप झरोखा, और उस समय की ड्रेसें भी सजा कर रखी है राजमहल के अंदर। ये कुछ ड्रेसें हैं। यहाँ पर राजमहल के अंदर कुछ लकड़ी की डिब्बियाँ वगैरह रखी हुई है। मेहंदी के छापे उस समय के हैं, और संदूकें रखी हुई है, और यहाँ पर एक मंदिर भी है द्वारकाधीश का। ये नीचे की ओर, ये दो कलर में है, एक रेड कलर और पीला कलर। फ्रेंड्स, कुछ बर्तन हैं आपको उस जमाने के राजमहल के अंदर कांच के अंदर रखे हुए हैं, और महल के अंदर ही ये पानी रखने का स्टैंड बना हुआ है, इस पे मटका वगैरह रखते थे। और दोस्तों उस ज़माने की घट्टी वगैरह, बर्तन, खलबत्ता और छोटी खटिया है, सारी चीज़ें ये आप जैसे नीचे घूमते हो और कांच के अंदर आप जब देखते हो तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो ये हम कांच के बाहर से ही सूट कर रहे हैं इसको। तो ये सारे बर्तन वगैरह रखे हैं, अस्तबल का सामान रखा है, जो ऊँट घोड़े वगैरह पे जो बैठने के लिए यूज़ किया जाता था वो सारी चीज़ें। मुझे नाम तो पता नहीं है हर चीज़ का। और उस ज़माने का ये कूलर, एक छोटा कूलर है और एक ये बड़ा कूलर, ये भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर तीन कूलर हैं अंदर, और एक बड़ा सा मटका नज़र आ रहा है साइड में रखा हुआ, और कुछ पोट की टाइप की रखी हुई है। अंदर रहते हैं और इधर से बाहर आ रहे हैं। और अब चलते हैं इधर अंदर की ओर। कुछ आगे बढ़ने पर देखिए ये कांच की खिड़कियां हैं, इसी में से हमको हाथी का होदा जो हाथी के ऊपर रखते थे वो डोली है। और जहाँ पर जो कांधे पर रख कर चलते थे रानी वगैरह जिसमें बैठती थी वो डोली बनी
रखी हुई है, कुछ पुराना दरवाज़ा है, आपको बल्लम वगैरह नज़र आते हैं और शीशा भी है चेहरा देखने का। और फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उस समय की ये कुछ छोटी सी तोपें मॉडल रखे हुए हैं या गोले वगैरह भी रखे हैं, हथियार जो उस समय गोले वगैरह यूज़ होते थे लड़ाइयों में वो भी रखे हुए हैं। और एक गादी जो गादी पर बैठा करते थे वो गादी भी है, और एक बड़ी सी तलवार और बड़ा सा पलंग यहाँ पर रखा हुआ है। कुछ आगे और चलने पर कुछ और पुरानी चीज़ें हैं तो वो भी देखते हैं। एक संदूक रखी हुई है पुरानी, और ये उस समय के ताला वगैरह जो लॉक हुआ करते थे पुराने वो लॉक भी हैं सभी प्रकार के। और ये द्वारकाधीश का मंदिर जो ऊपर की साइड में है महल में, ये आज भी द्वारकाधीश का मंदिर है। फ्रेंड्स, जब हम नीचे आ जाते हैं और फिर बैक साइड में जाते हैं तो कुछ अंदर जाने पर ऐसी मूर्तियां वगैरह रखी हुई है मिट्टी की बनी हुई, ये आप देख सकते हो कई मूर्तियां रखी हुई है। यहां से देखें महल का सामने से नज़ारा। किले के निकासी गेट के ऊपर की ओर ये तोप की नाल रखी हुई है। यहाँ रखी है तोपों की नाल, ये देखो आप, तोप बोलते हैं इनको, करीबन 5-6। यहाँ से पोखरण शहर का ऊपर की ओर से कुछ ऐसा है नज़ारा, और नीचे रखे हैं कुछ उस ज़माने के बैलगाड़ी रथ वगैरह रखे हुए हैं। ये देखिए ये बड़ा सा मटका रखा हुआ है, और इधर साइड में बैलगाड़ी रखी हुई है। और इस गेट से हम हो गए हैं महल के बाहर, और ये बाहर से नज़ारा। तो दोस्तों, पूरा महल घूम लिया है और जो भी सामग्री रखी है सारी चीज़ें देखी हमने। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स करके बताएं आपको आज का ये पोखरण महल का वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी का बेल आइकन दबा देना और ऑल पर क्लिक कर देना ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी आप तक पहले पहुँचे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।